हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज हमारा इकोनॉमी का 6th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं आपके टॉपिक्स वन बाय वन। सबसे पहले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व, देन आफ्टर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट अरेंजमेंट, देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड देन आफ्टर इन द लास्ट स्पेशल इकोनॉमिकल जोन्स। तो हम इन सब टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करेंगे और इनमें से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से। तो दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट याद रखिएगा, यूपीएससी के लिए प्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो आगे आपको पता चलेगा जैसे जैसे स्लाइड्स निकलती जाएंगी क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द रिकॉर्ड, ये ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है किसमें, बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री के रेजिडेंट्स का पूरी दुनिया के लोगों के साथ जितना भी बिजनेस हुआ है, चाहे वो इंपोर्ट है, चाहे एक्सपोर्ट है, चाहे वो गुड्स में है, चाहे वो सर्विसेज में है, वो सारा कुछ, सब कुछ, चाहे कहीं से रेमिटेंसेस आ रहे हैं, चाहे हम किसी से लोन ले रहे हैं, FDI आ रहा है, कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो याद रखिएगा, जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स एंड अदर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को कौन मैनेज करता है इंटरनेशनली? इंटरनेशनली इसको मैनेज करता है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। IMF के अंडर आता है जी ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए याद रखने वाली है, वर्ल्ड्स नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज ज़ीरो। फ्रेंड्स, पूरी दुनिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा ही ज़ीरो होगा। दैट मीन्स अगर इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में है, तो नेगेटिव तो उसको फुलफिल कौन कर रहा है? तो चाइना का कहीं ना कहीं पॉजिटिव में रहा होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में के लिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाली जो है, कोई भी इनकमिंग मनी जो है, कुछ भी आपका पैसा आ रहा है कंट्री में, उसको पॉजिटिव गिना जाता है, और कोई भी आउटगोइंग जो भी बाहर जा रहा है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। कुछ भी आ रहा है कंट्री में, कोई भी पैसा इनकमिंग है उसको पॉजिटिव, कोई भी पैसा आउटगोइंग है उसको नेगेटिव। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, इन्हीं के अकॉर्डिंग ही आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट चेक किया जाता है। अगर हम कहें कि इंडिया में ज़्यादातर पैसा आ रहा है, बाहर से आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव। और अगर कहें चाइना से बाहर जा रहा है तो उसका नेगेटिव। तो चाइना से बाहर कितना गया? जितना इंडिया में आया। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो हमेशा ही जीरो रहेगा, याद रखिएगा हमेशा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम कौन कौन सी चीजें देखते हैं? फ्रेंड्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके कंपोनेंट्स हैं, एक होता है आपका करंट अकाउंट, ठीक, और दूसरा होता है आपका कैपिटल अकाउंट। अब फ्रेंड्स, यहां पर याद रखिएगा, एक बार हमने फिस्कल पॉलिसी की भी डिस्कशन की थी अपने टॉपिक्स में। फिस्कल पॉलिसी में भी सिमिलर तरह के ही नाम थे वहां आपके पास, कैपिटल अकाउंट। बट यहां पे इस कैपिटल अकाउंट में और वहां वाले कैपिटल अकाउंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आप लोग देखिएगा जब हम इसको डिस्कस करेंगे। और या वहां पे करंट अकाउंट की जगह पे नाम क्या था? रेवेन्यू अकाउंट। तो यह चीज आपको देखनी है, करंट अकाउंट वर्ड कब यूज़ किया जाता है? जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, और रेवेन्यू अकाउंट नाम तब यूज़ किया जाता है जब हम बात करते हैं आपकी फिस्कल पॉलिसी की। क्लियर? तो अब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इसको हम आगे वाली स्लाइड्स में कवर करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स इनमें आते हैं और नहीं आते। क्लियर? आगे, हाँ, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, चलिए बाद में ही डिस्कस करते हैं। थर्ड वन इज ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स क्या है? वो ट्रांजैक्शन जो सेंट्रल बैंक कंडक्ट करता है, जब सेंट्रल बैंक इन केस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट या सरप्लस, कोई भी आपका हो सकता है, आपके पास इनकमिंग पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा हो, ठीक है, तो उस केस में क्या है, डॉलर आपकी मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो उन डॉलर्स को भी कम करना है, अदरवाइज डॉलर और जो आपके रुपी की वैल्यू में मिसमैच होगा। तो इन सारी चीज़ों को कौन कवर करता है? आपका RBI। तो RBI जब ट्रांजेक्शन्स करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स। क्लियर? और लास्ट वन इज एरर एंड अमिशंस।
फ्रेंड्स बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखिए हम क्या करते हैं, हम इनकमिंग भी देखते हैं आउटगोइंग भी देख रहे हैं, ठीक है ना, हम करंट अकाउंट भी देख रहे हैं कैपिटल अकाउंट भी देख रहे हैं, बट समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, किसी के लिए भी ह्यूमन एरर भी हो सकता है, यहाँ पे टेक्निकल एरर भी हो सकता है, सिस्टमेटिकल एरर भी हो सकता है, तो हमेशा ही इट इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन एट वर्ल्ड लेवल। तो उस केस के लिए हम क्या मान के चलते हैं, एरर एंड ओमिशंस, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारी कैलकुलेशंस में एरर्स रही होंगी, कुछ ना कुछ ओमिशंस रहे होंगे जो हम लोग नहीं चेक कर पाए, तो उसके लिए हम एक लमसम अमाउंट मान के चलते हैं। क्लियर? तो ये चार चीज़ें हैं जो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट बनती हैं। अब इनमें से जो दो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, करंट और कैपिटल अकाउंट, वो डिस्कस करते हैं आगे। चलिए अब करंट अकाउंट, सबसे पहले तो करंट और कैपिटल हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको दो कंडीशंस बताई हुई हैं आपकी, हमेशा ही एसेट और लायबिलिटी, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो ना एसेट के ऊपर इफेक्ट डाले ना लायबिलिटी के ऊपर, वो सारी ट्रांजैक्शंस जाएंगी आपकी करंट अकाउंट में, ठीक है। अब सॉरी फ्रेंड्स, करंट अकाउंट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज़ कॉल्ड विजिबल, सेकंड वन इज़ कॉल्ड इनविजिबल। ये विजिबल और इनविजिबल में डिफरेंस क्या है, विजिबल वो जो आपको दिखे, तो दिखने वाली ट्रांजेक्शन मतलब क्या है, टेंजिबल जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो है आपकी गुड्स की, जो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो, गुड्स नॉट सर्विसेज, ओनली गुड्स, इसको बोलते ट्रेड, ठीक है जी। अब जो गुड्स में आपका ट्रेड होगा वो हमेशा ही इंडिया के केस में जो है वो हमारा डेफिसिट है, दैट मीन्स हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। जब हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, तो हम मतलब क्या है, हमें ज़्यादा पैसा बाहर देना होगा, ठीक है, इसीलिए ये हो गया आपका नेगेटिव, ठीक है, डेफिसिट, और इसको हम बोलते हैं जी ट्रेड डेफिसिट। इस टर्म को पर्टिकुलरली गुड्स की डेफिसिट को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट। क्लियर? अब दूसरा जो आपके कंपोनेंट्स है वो है आपके इनविजिबल। इनविजिबल में सबसे पहले आपकी सर्विसेज आ गई, सर्विसेज ऑफ एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, चाहे वो बीपीओ सर्विसेज है, चाहे वो आईटी सर्विसेज है, टूरिज्म सर्विसेज है, हेल्थ सर्विसेज है, सब कुछ, इन सारी सर्विसेज के केस में इंडिया क्या है जी, सरप्लस। सरप्लस का मतलब हमारे यहाँ पे इनकमिंग जो मनी है वो ज़्यादा है किससे, आउटगोइंग से। क्लियर? इनकमिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आउटगोइंग, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सर्विसेज में सरप्लस हैं। अब दूसरा कंपोनेंट इनविजिबल का आता है इनकम। इनकम कहाँ से, आपका प्रॉफिट, आपकी कोई कंपनी है बाहर, कोई कंपनी सेटअप आपने की हुई है तो उससे इनकम जनरेट हो रही है, तो वो आपका प्रॉफिट हो गया। आपने किसी को लोन दिया है, उसके अगेंस्ट आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है, याद रखिए लोन नहीं, लोन का इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो भी आपकी इनकम। और उसके बाद डिविडेंड, आपकी कंपनी में से प्रॉफिट हुआ तो उस केस में डिविडेंड आप जनरेट करते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग डेफिसिट में हैं, रीज़न बीइंग हमारे इंडियंस ने बाहर जो कंपनीज एस्टेब्लिश की हैं वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जितनी एफडीआई इंडिया में आई हुई है। तो इंडिया में जिन फॉरेन कंट्रीज ने, फॉरेन कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, तो वो अपना प्रॉफिट कहाँ लेके जाते हैं, बाहर लेके जाते हैं। तो ये डिविडेंड जो है, डिविडेंड वाला कंपोनेंट भी हमारे केस में क्या हो गया, बाहर जा रहा है ज़्यादातर पैसा। प्रॉफिट, अगेन प्रॉफिट पॉजिटिव है हमारा, बट वही कि इस केस में डिविडेंड ज़्यादा हो गया। और दूसरा क्या है, हमने लोन लोगों से ज़्यादा लिए हुए हैं, दूसरी कंट्रीज से, वर्ल्ड बैंक से हमने लोन ज़्यादातर इंडिया ने लिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे भी ज़्यादातर पैसा इंटरेस्ट की फॉर्म में बाहर ही जा रहा है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स क्या हो गए, नेगेटिव, इसीलिए ये भी हो गया आपका डेफिसिट। अब तीसरा इनविजिबल कंपोनेंट है आपका ट्रांसफर, ट्रांसफर रेमिटेंसेस, जो बाहर लोग रहते हैं इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, ये पॉजिटिव है हमारा, ठीक है। उसके बाद डोनेशंस, ये भी हमें अच्छा पॉजिटिव रहेगा, हम ज़्यादातर डोनेशंस ले रहे हैं, गिफ्ट जो हमारा इनकमिंग है, जो हमारे पास गिफ्ट रिसीव हो रहे हैं, तो ये आपका सरप्लस है। फ्रेंड्स इंडिया के केस में हमेशा ही जो आपका करंट अकाउंट रहा है वो रहा है डेफिसिट के केस में। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखने वाली है, जो यूपीएससी आपसे पूछती है, यूपीएससी क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करती है कि फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स करंट अकाउंट ऑफ इंडिया इज कंटिन्यूसली इन डेफिसिट, या करंट अकाउंट ऑफ इंडिया इज कंटिन्यूसली राइजिंग एंड ऑल।
तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, आपको ध्यान में रखना होगा पिछले 5 सालों की फिगर्स, सिर्फ और सिर्फ फिगर्स नहीं याद रखनी, वहाँ पे ये देखना है कि कुछ कंटिन्यूटी बन रही है। हाँ, एक कंटिन्यूटी तो पक्का बनेगी कि करंट अकाउंट आपका डेफिसिट में रहेगा, ठीक। दूसरी कंटिन्यूटी ये देखिए कि क्या पिछले 5 सालों से डेफिसिट तो है ही है, क्या वो डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है, क्या वो डेफिसिट लगातार कम हो रहा है, या कोई ऐसा ईयर है जिसमें डेफिसिट पहले बढ़ रहा था फिर वो कम हो गया उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो गया। क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से कम 3 या 4 सवाल हैं जो यूपीएससी इस सिर्फ और सिर्फ इस स्लाइड से बना सकती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से प्लीज पढ़िएगा, क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको पहले ही बताया था एसेट और लायबिलिटी, कोई भी दो ऐसी चीज़ें जो आपकी एसेट और लायबिलिटी को क्रिएट करें या चेंजेस करें वो आपके आते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में FDI आ गया, FPI आ गया, और ये हमेशा ही सरप्लस रहेंगे। क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया के केस में फॉरेन कंट्रीज जो हैं कंपनीज उन्होंने इन्वेस्ट ज़्यादा किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू इंडियंस, ठीक। दूसरा, लोन। लोन हम देखिए, चाहे वो सॉवरेन लोन्स हैं चाहे वो कमर्शियल लोन्स हैं, सॉवरेन लोन हम किसको बोलते हैं, जो आपकी गवर्नमेंट उठा रही है लोन, ठीक है ना। तो इन दोनों के ही केसेस में हमने लोन लिए ही हुए हैं, तो ये भी आपका सरप्लस हो गया। तीसरा है जी आपका NRI अकाउंट्स। NRI अकाउंट का जो भी पैसा है वो क्या होता है जी, वो होती है बैंक की लायबिलिटी, इंडिया की गवर्नमेंट की वो लायबिलिटी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आपके NRI अकाउंट है ये भी हमारा पॉजिटिव है फ्रेंड्स। तो आपका हमेशा ही इंडिया के केस में जो आपका कैपिटल अकाउंट रहता है वो क्या रहता है, सरप्लस। अब देखिए, यही वो सरप्लस है जो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट को फुलफिल करता है। आपके करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो लेट से आपको इंपोर्ट आपका ज़्यादा हो गया, आपका एक्सपोर्ट कम है, तो आपको पैसा चाहिए ना एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को फुलफिल करने के लिए, तो आप कहाँ से उठाते हो, वो पैसा आपको कहाँ से आता है, आपके इस कैपिटल अकाउंट से, क्लियर। अब होता क्या है कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये तो ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल अकाउंट में उतना ही पैसा है जितना करंट अकाउंट में चाहिए या नहीं, क्योंकि FDI कितनी भी आ सकती है, लोन्स कितने भी उठाए जा सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जितना सरप्लस पैसा है जो आपका बाहर से आया या कम हुआ, वो आपके फॉरेक्स रिजर्व जो होता है जिसको RBI मेंटेन करता है उसमें चला जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके फॉरेक्स रिजर्व की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फॉरेक्स रिजर्व में आपकी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। UPSC डायरेक्ट पूछती है क्वेश्चन के फॉरेक्स रिजर्व के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन आता है, ये 4 बस याद रखिएगा। इनमें से हो सकता है ये पूछ ले कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है, या ये पूछ ले कौन सा कंपोनेंट है। तो ये आपको फॉरेन करेंसी, गोल्ड, SDR, रिजर्व ट्रांच, ये दो जो हैं SDR एंड रिजर्व ट्रांच, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मुझे नहीं लगता कि फॉरेन करेंसी और गोल्ड के लिए डिस्कशन की कोई हमें ज़रूरत है। बस ये याद रखिएगा, फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड ज़रूर आएगा, फॉरेक्स करेंसी जो है वो आएगी, क्लियर। अब SDR और रिजर्व ट्रांच क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व ट्रांच की। रिजर्व ट्रांच IMF का फंडा है, सबसे पहले तो ये याद रखिए, IMF का फंडा। अब ये काम कैसे करता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखिए, IMF की मेंबर कंट्रीज हैं, हर एक मेंबर कंट्री के पास कुछ ना कुछ कोटा है, ठीक है, कोई ना कोई उसका कोटा है। अब कोटा क्या है, कोटा हर एक कंट्री की इकोनॉमिकल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको कोटा दिया गया है, ठीक है। इंडिया के केस में बात कर ली जाए 2.7% इंडिया के पास है, ठीक है। चाइना के केस में बात कर ली जाए, अमेरिका के केस में बात कर ली जाए, तो हर एक कंट्री का अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग कोटा है किसमें, IMF के पास। तो उस कोटे के अकॉर्डिंग उसको IMF में पैसा उतना रखना होता है। लेट से मैं कहता हूँ कि इंडिया का जो है 100, ये कोटा है, ठीक है, उसको 100 रखना है, 100 रुपी। आप फिलहाल ये मान के चलिए इट्स नॉट इन रुपी ओनली, ठीक है, ये रुपी में नहीं होता, इसको हम SDR में बात करेंगे। बट लेट्स से इंडिया का एक कोटा है 100। अब IMF के केस में क्या है, IMF के केस में IMF ने ना एक परमिशन दी हुई है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी या एनीथिंग आप अपना अगर पैसा यूज़ करना चाहे, आपका कोटा है जो आपको मेंटेन करना है, ठीक है ना। 100 रुपये आपको रखने हैं, बट अगर आपको एमरजेंसी है कोई, तो आप 100 में से ये 25% जो है ये आप कभी भी एट योर ओन विल आप यूज़ कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करनी होगी, जिसके लिए
आपको कोई भी बाउंडेशंस नहीं होंगी, टाइम लिमिट नहीं होगी, आप जब चाहें इस पैसे को लौटा सकते हो IMF में, ठीक है। तो ये जो 25% है इसको हम बोलते हैं जी रिजर्व ट्रांच। अब दूसरा क्या बचा आपका 75%। अब क्या है, इस रिजर्व ट्रांच के लिए तो आपको कोई भी पेमेंट, कोई इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको 25% से ऊपर पैसे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ गई कभी भी, तो उसको बोला जाता है आपका क्रेडिट ट्रांच। क्रेडिट ट्रांच जो आपका नाम से ही क्लियर है कि अब जो भी आप 25% से ऊपर पैसा यूज़ करने वाले हो, सबसे पहले तो उसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होंगी आपको IMF की, उसके बाद टाइम बाउंडेशन भी होगी उसके ऊपर कि आपको इतने टाइम पीरियड में ये पैसा वापस करना है विद इंटरेस्ट, ठीक। तो ये आपका रिजर्व ट्रांच जो होता है, आई थिंक के यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जितना कंट्री का कोटा है उस कोटे का 25% जो वो है वो यूज़ कर सकता है एट एनी टाइम एट इट्स ओन विल, इट इज़ कॉल्ड रिजर्व ट्रांच, ठीक है। तो इसीलिए जो ये रिजर्व ट्रांच आपके फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट है कि हम जब चाहें अपनी विल के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें इमरजेंसी में इसकी ज़रूरत है। अब नेक्स्ट है आपका SDR, और याद रखिएगा ये रिजर्व ट्रांच इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर UPSC। आपको डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि रिजर्व ट्रांच किस केस में काम करता है, वर्ल्ड बैंक इसको हैंडल करता है, IMF करता है, या आपकी यूनाइटेड नेशंस करते हैं, तो ये कौन करता है आपका IMF करता है, क्लियर। आगे चलते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। फ्रेंड्स स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स अगेन इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर UPSC, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा ही न्यूज़ में रहता है कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है क्या नहीं है, इसके क्या चेंजेस किए गए। तो यहाँ पे भी मैं आपको ना एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि यार ये क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। सबसे पहले तो इट वाज क्रिएटेड बाय IMF इन 1969 में क्या हुआ, देखिए सबसे पहले ना आपका जो वर्ल्ड में ट्रेड था वो दो चीज़ों में होता था, एक गोल्ड और एक US डॉलर, ठीक। US डॉलर और गोल्ड, आपने दुनिया में किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करना है तो ये दो चीज़ें आपको चाहिए थी, आप इंटर ट्रेडिंग के लिए इनको यूज़ कर सकते थे। बट अब हुआ क्या विद टाइम, अब देखिए ना तो गोल्ड हमारे पास इतना अवेलेबल है और ना ही US जो है ट्रेजरी वो इतना उसको US डॉलर को मन मर्जी से तो वो भी नहीं प्रिंट कर सकते, ठीक है। तो इस केस में क्या था, अब US डॉलर की डिमांड और गोल्ड की डिमांड वर्ल्ड में इंक्रीज़ हो रही थी डे बाय डे, क्योंकि वर्ल्ड ट्रांजैक्शंस जो थी वो बढ़ रही थी ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो IMF ने इस चीज़ का सलूशन निकालने के लिए एक फंडा लेके आया जिसको बोला गया SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब ये जो SDR है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या हो गया कि वर्ल्ड जो आपका IMF है उसने ना 5 करेंसीज रख दी, 5 करेंसी US डॉलर, यूरो, येन, पाउंड स्टर्लिंग एंड चाइनीज युआन। ये 5 करेंसीज की एक बास्केट बना दी, 5 करेंसीज की बास्केट बना के इसमें ये 5 करेंसीज रख दी, और इस बास्केट का एक यूनिट को बोला गया SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है। अब IMF ने क्या बोला अपनी मेंबर कंट्रीज को कि आप लोग आज के बाद जो भी ट्रांजैक्शन करोगे, जो भी आपको ट्रांजैक्शन की ज़रूरत है, अगर आपके पास डॉलर्स नहीं है US डॉलर्स, तो नीड नॉट टू वरी, आप जो ट्रांजैक्शन है वो आप SDR के फॉर्मेट में कर सकते हो, आप जितनी मेंबर कंट्रीज हो, ठीक है, आप एक दूसरे को ये SDR जो है ये ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेट्स से आपको अगर 100 बिलियन डॉलर ट्रांसफ़र करना है तो आप 100 बिलियन डॉलर US डॉलर के अगेंस्ट जो SDR बनेंगे आप उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो इससे क्या हो गया, इससे जो US डॉलर की डिमांड और गोल्ड की डिमांड थी दुनिया में वो कम हो गई, यानी कि उसकी डिमांड और सप्लाई में जो था मिसमैच वो कहीं ना कहीं जाके मैच हो गया, और दुनिया के पास वर्ल्ड जो IMF की मेंबर कंट्रीज हैं उनके पास एक नया तरीका आ गया ट्रांजैक्शंस के लिए, या इन केस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में क्या होता है, जैसे हमारे सामने आया था 1991 में इंडिया ने इंपोर्ट किया, अब इंपोर्ट बिल है उसके अगेंस्ट आपको पैसा देना है, तो IMF क्या करता है, ये जो ट्रांजैक्शंस हैं IMF, अगर इंडिया ने US को पैसा देना था तो IMF क्या करेगा, इंडिया का भी अकाउंट है IMF में और US का भी, IMF जो है वो इंडियन अकाउंट का जो है जो हमारा कोटा है उसमें से US को ट्रांसफ़र कर देगा, क्या SDR, नॉट US डॉलर्स, वो क्या ट्रांसफ़र करेगा SDRs। तो ये आपका है SDR, और
याद रखिएगा जो आपके एस डी आर हैं दे आर नॉट बैक्ड बाय एनी करेंसी और एनी प्रीशियस मेटल। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसके पीछे जैसे होता है ना हर एक करेंसी के पीछे हमने गोल्ड स्टैंडर्ड बनाया था, ठीक है, तो मतलब क्या जितने आप लोग करेंसी प्रिंट करोगे उतना ही आपको गोल्ड रखना पड़ेगा, पहले ये फंडा चलता था। बट जो आपका एस डी आर का फंडा है ये एक म्यूचुअली बनाया गया फंडा है जो आपकी मेंबर कंट्रीज है आई एम एफ की। इट इज़ ओनली यूज अमंग द गवर्नमेंट्स एंड IMF फॉर सेटलमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिल को एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसके बिना और इसको कहीं भी यूज़ नहीं किया जाता। और एक चीज़ याद रखिएगा जो आपका SDR है इट इज़ नॉट अ करेंसी, ये करेंसी नहीं है, ये करेंसी नहीं है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगर UPSC ने आपको SDR के बारे में पूछा तो SDR के बारे में एक आपको ऑप्शन हमेशा UPSC डालेगी कि इट इज़ अ करेंसी, इंटरनेशनल करेंसी। नो, इट इज़ नॉट एन इंटरनेशनल करेंसी, इट इज़ जस्ट एन अरेंजमेंट फॉर बिटवीन IMF कंट्रीज एंड ये IMF कंट्रीज के लिए ही इस अरेंजमेंट को बनाया गया है, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है हमेशा ही कि SDR इज नॉट अ करेंसी, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो थे आपका पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, और उसके बाद आपका फॉरेक्स रिजर्व में दो चीजें ये जो आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो गए, क्लियर। अब आगे है जी आपका करेंसी स्वैप अरेंजमेंट। तो फ्रेंड्स ये करेंसी स्वैप अरेंजमेंट क्या है, यहाँ पे आपको क्लियरली बताया गया है ये करेंसी स्वैप जो अरेंजमेंट है, लेट से मैं अगर बात कर लूँ इंडिया और ईरान, हम दोनों कंट्रीज़ की करेंसी अलग अलग हैं, हम दोनों कंट्रीज़ क्या करेंगी, आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, जिसमें क्या बोला जाता है कि चाहे इंडिया में से कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो ईरान में, चाहे ईरान से कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो इंडिया में, ठीक है, तो जो पेमेंट्स होंगी आपस में वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ही करेंसीज के माध्यम से होंगी, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों करेंसीज ही यूज़ की जाएंगी, इसके बिना थर्ड कोई भी करेंसी हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब क्या है, US डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, कुछ भी आपको इंटरनेशनली ट्रेड करना है तो आपको US डॉलर चाहिए। तो अब क्या होता है जब आपकी मार्केट में US डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो उससे क्या होता है आपके रुपी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो जाती है, वो नीचे चली जाती है, ठीक। तो इस केस में क्योंकि वो होता क्यों है, डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच, तो इस केस को कंप्लीट करने के लिए, इसको इस चीज़ से अलग होने के लिए हम क्या करते हैं जी, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करते हैं। और ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं इसमें इंडिया और ईरान कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा सिर्फ और सिर्फ दो करेंसीज के बीच में होगा, और ये दोनों करेंसीज जो होंगी याद रखिएगा प्री डिटरमाइंड रेट्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, हम एक रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स कर देंगे कि ये हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज रहेगा दोनों करेंसीज के बीच में, और इसके लिए अब हमें दोनों कंट्रीज़ को किसी थर्ड करेंसी की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ दो ही करेंसीज की ज़रूरत होगी आपस में ट्रेडिंग के लिए, क्लियर। तो ये आपका करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। इससे होता क्या है फ्रेंड्स, इससे जो आपकी वल्नरेबिलिटी होती है अगेंस्ट थर्ड करेंसी जो आपकी हार्ड करेंसी है जैसे कि आपकी US डॉलर, ठीक है ना, तो वो वल्नरेबिलिटी हर एक कंट्री की वो कम हो जाती है क्योंकि आपको अब US डॉलर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्लियर। अब ये न्यूज़ में क्या था, क्योंकि जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने जो आपका करेंसी स्वैप अरेंजमेंट है फॉर SAARC कंट्रीज़ इसको एक्सटेंड कर दिया है टिल 2022, ठीक है, तो 2022 तक हमने जो हमारे SAARC नेशन मेंबर नेशंस हैं उनकी सारी कंट्रीज़ के साथ हम बायलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है वो साइन करेंगे, बट इसमें एक लिमिट लगाई गई है कि ओवरऑल कॉर्पस ऑफ $2 billion से ज़्यादा ये स्वैप एग्रीमेंट्स नहीं हो सकते, विदिन $2 billion हम SAARC जो नेशन है उनके साथ हम करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है वो साइन करेंगे, क्लियर। तो ये है आपका करेंसी स्वैप अरेंजमेंट। नेक्स्ट, अब अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, UPSC हर साल दो क्वेश्चन डालती है, दो
कैसे क्वेश्चन, आपको एक रिपोर्ट दी जाती है और पूछा जाता है कि कौन इसको पब्लिश करता है। तो सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है वो आपका वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है जी, याद रखिएगा। सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज पब्लिश बाय IMF, वर्ल्ड बैंक, UN, UNDP एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो कौन इसको पब्लिश करता है, आपका वर्ल्ड बैंक। अब इस साल के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो इस साल के कंटेक्स्ट में इंडिया वॉज प्लेस्ड एट 63rd पोजीशन। इंडिया की जो पोजीशन है वो 63rd रैंक आई है। देखिए ये 2019 इसलिए लिखा हुआ है कि अगर 2020 में ये रिलीज हुई है तो डाटा तो 2019 का ही होगा ना हमारे पास। तो याद रखिएगा इंडिया के केस में ये कितनी, कौन सी पोजीशन है इसकी, सॉरी, इंडिया के केस में आपकी 63rd पोजीशन आई है, बट पहले लास्ट ईयर ये कितनी थी आपकी, 77th। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनेगा, एक तो मैंने आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो आपकी रिपोर्ट है उसमें इंडिया का रैंक इम्प्रूव हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो ये क्या है, आपका रैंक इम्प्रूव हुआ है, ठीक। यहाँ पे ये क्लियर हो गया आपको, 63rd है जी इस बार का, पुराना था आपका 77, तो मतलब 14 प्लेसेस, क्लियर। आगे चलते हैं। अब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसके पैरामीटर्स है, तो फ्रेंड यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे 10 पैरामीटर्स हैं। दो इस साल जो है 12 पैरामीटर्स को काउंट किया गया, ठीक है, बट जो आपके रिजल्ट आए हैं वो हमेशा ही इन 10 पैरामीटर्स के ऊपर ही रिजल्ट पब्लिश किए हैं वर्ल्ड बैंक ने। स्टार्टिंग अ बिजनेस, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्समेंट एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। फ्रेंड्स याद रखिएगा ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके UPSC प्री के लिए। यहाँ पे क्या होगा, UPSC आपको इनमें से कोई भी चार पूछ सकती है कि इनमें से कौन सा पैरामीटर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कैलकुलेट किया जाता है या कौन सा नहीं किया जाता। तो ये 10 के 10 पैरामीटर्स आप लोगों को याद होने चाहिए एट द टाइम ऑफ योर प्री, क्लियर। तो ये 10 पैरामीटर्स हैं फ्रेंड्स जिसके बेसिस के ऊपर आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है। अब ये तो हो गया, अब इंडिया का रैंक जो इम्प्रूव हुआ है, ठीक है ना, तो इंडिया का रैंक अब ये आपके लिए 2020 के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड कि इंडिया ने जो रैंक इम्प्रूव किया है वो किन चार पैरामीटर्स के बदौलत किया है। तो ये चार पैरामीटर्स है जहाँ पे हमने इम्प्रूव किया है। एक तो है आपका स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, इसके लिए हम ईजी हो गया अब काफ़ी ज़्यादा। डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, इसके लिए भी ईजी कर दिया गया है गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज जिसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन परमिट आपको टाइम कम लगता है। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, ये भी कुछ ना कुछ स्ट्रीमलाइन किया गया। एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड आया है तो जिसके कारण अब इंसॉल्वेंसी जो प्रोसीजर्स हैं वो भी काफ़ी इजी हो गए हैं इंडिया के केस में। तो इंडिया का जो रैंक इम्प्रूव हुआ है, जो 63rd रैंक आया है, वो इन चार पैरामीटर्स के कारण हमने 14 पॉइंट्स की जंप लगाई है फ्रेंड्स, ठीक है। स्टार्टिंग अ बिजनेस, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, ये याद रखिएगा, क्लियर। आगे चलते हैं। अब एक चीज और आपके लिए कि इंडिया बिकेम फर्स्ट अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया इज रैंक्ड फर्स्ट अमंग साउथ एशियन कंट्रीज, ये याद रखिएगा। अब एक चीज और जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर इंडिया में देखा जाए तो क्या इंडिया की सारी सिटीज को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, नहीं। सबसे पहले इसमें इन्वॉल्व हुई थी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एंड मुंबई, ठीक है, बट जो इस साल से आपका ये इंडेक्स रेडी होना शुरू हुआ है तो लास्ट ईयर से कोलकाता एंड आपका बेंगलोर, ये दो सिटीज़ को भी इंक्लूड किया गया है। दैट मींस आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स है वो इन चार सिटीज़ में जो बिजनेस का सिस्टम चल रहा है उसके बेसिस के ऊपर आपकी ये परफॉर्मेंस जो है वो चेक की जाती है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, क्लियर। तो ये था आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज स्पेशल इकोनॉमिकल जोन। तो फ्रेंड्स ये स्पेशल इकोनॉमिकल जोन जो है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो ये सबसे पहले तो देखिए इकोनॉमिकल जोन क्या होता है, जहाँ पे कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो, कोई इंडस्ट्री लगे, कोई IT इंडस्ट्री हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, एनीथिंग, ठीक है, वो होता है आपका इकोनॉमिकल जोन। और
इसके आगे लग गया स्पेशल, दैट मीन्स कुछ ना कुछ हमने इसको स्पेशल प्रिविलेजेस दिए हैं इस जोन को, कुछ ना कुछ इसके पास स्पेशल राइट्स हैं जो जो कंपनीज इस जोन में आके अपनी कंपनीज को एस्टेब्लिश करती हैं। तो ये देखिए, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन इज एन इनक्लेव विद इन द कंट्री। सबसे पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ कंट्री के अंदर ही रहेगा और ये हमेशा ही ड्यूटी फ्री कंसिडर किया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो आपके स्पेशल इकोनॉमिकल जोन्स हैं, ये आपके फॉरेन इनक्लेव्स, इनको काउंट किया जाता है। याद रखिएगा, फॉरेन इनक्लेव्स विद इन द कंट्री, ये याद रखना है आपको, है कंट्री में ही, और इनमें से जो कुछ भी बाहर जाएगा या जो कुछ भी इनमें आएगा वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कंसीडर किया जाता है। चाहे वो आपके जस्ट जो आपका स्पेशल इकोनॉमिकल जोन है इसके बाहर जो इंडस्ट्री है आपने वहीं से कोई सामान मंगवाया है, बट वो आपका इंपोर्ट कंसीडर किया जाएगा। और चाहे आपने अपने यूनिट से बाहर ही कुछ भेजा है स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के बाहर आपके ही सिटी में, ठीक है, तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, एक्सपोर्ट कंसीडर किया जाएगा। और ये एस्टेब्लिश किसके अंडर हुआ है, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन एक्ट जो है 2005 में पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब ये आपको याद रखना है, एक तो ये फॉरेन इनक्लेव्स इनको कंसीडर किया जाता है, मतलब फॉरेन इनक्लेव किस चीज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, इसके बिना कुछ नहीं। इसके बिना ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई फॉरेन एंटिटी जो है उसके अंडर हो गया है, सारा कुछ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही, बट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पज़ के लिए इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए काउंट किया जाता है। आगे चलते हैं, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स, क्यों हमने बनाए SEZs जो आपके, तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, एक तो टू क्रिएट एडिशनल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, के ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो है वो बन सकें, आपके एरिया में बढ़ सकें, क्योंकि अब आगे हम दिखाएंगे आपको कि क्या बेनिफिट्स हैं स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के, क्यों ये एक्टिविटीज़ इंक्रीज होती हैं, टू बूस्ट एक्सपोर्ट, क्लियर, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, टू बूस्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, एंड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। तो ये चार पांच, और इसके बिना और भी बहुत कुछ है, बट ये पांच जो थे वो मेजर थे, कि आपको एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है, आपको इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SEZ। अब SEZ की फैसिलिटीज़ क्या हैं, सबसे पहली फैसिलिटी तो फ्रेंड्स यहाँ पे ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट होता है। याद रखिएगा, मैंने आपको बोला कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए इनको कंसीडर किया जाता है, बट यहाँ पे जो कुछ भी बाहर आएगा या यहाँ से जो कुछ भी बाहर जाएगा उसके लिए ड्यूटी फ्री होता है, कोई भी एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे नहीं लगाई जाती प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब इसमें एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्यों लोग आके SEZ में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे पहले 5 साल के लिए 100% इनकम टैक्स एग्जम्पशन दी जाती है ऑन एक्सपोर्ट इनकम। आप जो कुछ भी, मैंने आपको बताया ना कि जो कुछ भी यहाँ से बाहर जाएगा वो क्या माना जाता है, एक्सपोर्ट, तो आपको 100% टैक्स एग्जम्पशन है, कौन सा, इनकम टैक्स, फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए ये आपका हो गया 50%, ठीक है। अब ये जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके ये जो एग्जम्पशन है वो कम होती जाएंगी, क्लियर। अब एक और चीज़ आपको हमने बताया था, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या होता है, तो जितने भी यूनिट्स हैं जो SEZ में काम कर रही हैं उनके ऊपर ये मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो होता है वो नहीं लगता, वो हमेशा ही ज़ीरो रहता है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो है, ये पहले देखिए, इनके ऊपर कोई भी सेंट्रल सेल्स टैक्स या सर्विस टैक्स एटसेट्रा नहीं लगता था, बट अब ये किस के अंडर आ गई, GST रिजीम के अंडर आ गई, बट जो आपकी सप्लाईज हैं, सप्लाईज टू SEZs आर ज़ीरो रेटेड अंडर IGST एक्ट। IGST जो आपका हमने बताया था इंटर स्टेट जो आपका GST है, तो उसके अंडर जो कुछ भी यहाँ पे इंपोर्ट होता है वो क्या आता है जी, ज़ीरो रेटेड, उसके ऊपर कोई भी GST आपका इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्लियर। उसके बाद सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये हो गया आपके लिए इजी हो गया कि नए अपने यूनिट लगाने हैं तो आप लगा सकते हो, तो नो नीड फॉर अ लाइसेंस फॉर इंपोर्ट। आपको कोई ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट के लिए आपको अलग से, क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी यहाँ पे आ रहा है वो इंपोर्ट है, बट दैट डजंट मीन कि आपको इंपोर्ट करना है तो आपको अलग से लाइसेंस लेना होगा। अदरवाइज अगर आप कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में डील करते हो तो आपको हमेशा ही अलग से लाइसेंस चाहिए होता है, बट इन दिस केस देयर इज़ नो नीड फॉर एनी सेपरेट लाइसेंस फॉर एनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, क्लियर। अब मोस्टली जो आपके SEZs हैं
बारिंग सम सेगमेंट्स, बारिंग फ्यू सेगमेंट्स, आपकी सारे के सारे जो हैं उनमें FDI 100% तक अलाउड है, ठीक। और अगेन कोई भी, जैसे मैंने आपको बता दिया, नो नीड फॉर सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन फॉर कस्टम एंड एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स आपके इम्पोर्ट, आपके SEZ में इंडस्ट्री लगाने के लिए, और जो चीज़ें SEZ में इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करती हैं, क्लियर। तो ये था आपका आज का टॉपिक, और इसके साथ होप कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया हो जो भी मैंने आपको एग्जांपल्स लेके बताया है पूरे फंडा क्लियर करने का। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसके साथ साथ ही जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि जितना हो सके ट्राई कीजिए कि जितने आपको टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं वो सारे आपके करंट के रिलेटेड हैं, और जितने उन टॉपिक्स के रिलेटेड आज तक UPSC ने क्वेश्चंस पूछे हैं, और क्योंकि आज के जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, करंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, फॉरेक्स रिजर्व हो गया, फ्रेंड्स आप ट्राई कीजिए UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए, तो आपको पता चलेगा कि UPSC ने इन टॉपिक्स के ऊपर कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, और क्या वो क्वेश्चन जो पूछे हैं जो हमने आज डिस्कस किया है, क्या इससे वो सारे के सारे आंसर मिल रहे हैं आपको या नहीं मिल रहे। आई होप कि आपको सारे के सारे आंसर बड़े आराम से मिल जाएंगे UPSC के उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर, क्लियर। सो स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे ऊपर। थैंक यू।